नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 15 नवंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो, आपको यहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है वो अभी यूपी में क्या हो रहा है। यूपी में स्टूडेंट हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया है। प्रोटेस्ट क्यों किया है? एक एग्ज़ाम यूपी में कंडक्ट हो रहा था और ये जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग शिफ्ट में हो रहा था, ठीक है। यूपीपीएससी और यूपीएससी मतलब यूपी में आरओ का एग्ज़ाम हो रहा था, तो ये एग्ज़ाम है वो अलग अलग शिफ्ट में हो रहा था। तो इसके लिए स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट की मांग है कि ये एग्ज़ाम है वो एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होने से क्या होता है, स्टूडेंट की मांग है कि अलग अलग शिफ्ट में होगा तो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है, ये सब मामले हो सकते हैं, इसलिए पेपर है वो एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। ये सब मामला है, इसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। अब देखो आगे इसमें क्या होता है। अब इसमें क्या किया जा सकता है, कुछ इसमें समाधान किया जा सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट को है वो स्टूडेंट के साथ में बात करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को कुछ स्टूडेंट की डिमांड है जैसे कि एक शिफ्ट में होना चाहिए तो उसे मान लेना चाहिए, एक शिफ्ट में होने से नुकसान नहीं है। साथ ही साथ में जो पेपर लीक होते हैं ये मामले होते हैं, इनकी वजह से ही स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसे मामलों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आखिरकार पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। इन सबको देखेंगे तो इस प्रकार के हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसको देख लेना, ज़्यादा हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से काम का नहीं है, पर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया, ये देख लो हमने पढ़ लिया। वे फॉरवर्ड के आगे क्या किया जा सकता है, एक दिन की परीक्षा होनी चाहिए, जो भी शिक्षा है वो की जानी, पेपर लीक वगैरह उन्हें रोकना चाहिए, और जो भी इसमें शेयर होल्डर है उनको आगे आके बात होनी चाहिए, खुले में संवाद होना चाहिए। इसकी निगरानी के लिए स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए जिनके माध्यम से ऑडिटिंग हो, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी तो इस प्रकार के प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था। उसके बाद में दूसरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में पॉलिटिक्स ज़्यादा दे रखी है, ठीक है। ये कास्ट सेंसस के बारे में बात करता है। अब कास्ट सेंसस है तो यहाँ पर ज़्यादातर पॉलिटिक्स दे रखी है, भाई एससी के इतने, एसटी के इतने, कहाँ पर कास्ट सेंसस हो रही है। अभी तेलंगाना ने कास्ट सेंसस की बात की है, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स हमारे लिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से काम की होती नहीं है, तो इस आर्टिकल को हम नहीं देखेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो सीजीआई के बारे में, जो हमारे संजीव खन्ना हैं ये हमारे नेक्स्ट सीजीआई बनेंगे, यानी कि 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, ये बनेंगे संजीव खन्ना। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में। तो सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। सीजीआई को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नियुक्ति कौन की जाती है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, देखो इनमें क्या होता है, जो लॉ मिनिस्ट्री होती है ना, लॉ मिनिस्ट्री अपनी एक सिफारिश की फाइल होती है वो कहाँ भेजती है, प्रधानमंत्री जी के पास में। अब प्रधानमंत्री जी जो अपनी सिफारिश होती है वो भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट अपनी जो फाइल होते हैं ये इस फाइल के अकॉर्डिंग एक जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको सीजीआई घोषित कर देते हैं, यानी कि लॉ मिनिस्ट्री के पास में पहली फाइल ही होती है, ये फाइल जाती है प्रधानमंत्री जी के पास में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के पास में भेजते हैं, और बाद में जो सीजीआई होते हैं मतलब जो भी वरिष्ठ जो न्यायालय में जज होंगे उनको सीजीआई घोषित कर दिया जाएगा, और ये किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर ये घोषित होंगे। और इनको शपथ कौन दिलाएगा, वो शपथ भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही दिलाई जाएगी, ठीक है जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ चीजें हैं वो सीजीआई के बारे में आप देख लो कि ये सीजीआई की भूमिका क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका क्या है। तो इनको फर्स्ट अमंग ऑल भी कहा जाता है, यानी कि जो जितने भी जज होते हैं इनमें फर्स्ट अमंग इक्वल, मतलब वैसे तो सारे इक्वल है बट ये थोड़ी पहली प्रायोरिटी है। एक सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, कौन सा मामला था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज चंद्र प्रकाश, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज चंद्र प्रकाश मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो जो जुडिशरी होंगे उसमें प्रमुख होंगे, हालांकि इनके पास में कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं होगी, इनके पास में एक्स्ट्रा कोई राइट नहीं होंगे, फिर भी ये लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे और न्यायपालिका में ये प्रमुख की भूमिका निभाएंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये फर्स्ट अमंग इक्वल होते हैं, वैसे सब इक्वल है लेकिन उन सब में पहले होंगे वो सीजीआई होंगे। साथ ही साथ इन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है। अब मास्टर ऑफ रोस्टर क्यों कहा जाता है, मास्टर ऑफ रोस्टर इसलिए कहा जाता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में आपको पता होगा, पाँच या पाँच से ज़्यादा जजों की कोई बेंच बिठाई जाती है तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक बेंच कहा जाता है। तो कोई भी अगर संवैधानिक बेंच बिठानी है इसे कौन तय करेगा, इसे सीजीआई के द्वारा ही तय की जाएगी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये जो संवैधानिक पीठ होती है
उसकी गठन किया जाएगा वो सीजीआई के द्वारा किया जाएगा, इसलिए इन्हें मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है। तो एक फर्स्ट अमंग इक्वल कहा जाता है इनको, मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है, और इन्हें कोलिजियम का प्रमुख भी कहा जाता है। अब ये कोलिजियम क्या होता है? कोलिजियम है ना, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करनी हो, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करनी हो, इनके लिए कोलिजियम बिठाया जाता है। तो इनके प्रमुख कौन होंगे? इनके प्रमुख भी सीजीआई होंगे। तो ये चीज़ भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब इसके साथ साथ में जो भी सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी काम करते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो अधिकारी होते हैं, इन सब की अपॉइंटमेंट है वो भी सीजीआई के द्वारा की जाएगी। या तो सीजीआई स्वयं करेंगे या किसी और जज को ये नियुक्त कर देंगे कि आप है वो अधिकारियों की नियुक्ति करो। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सीजीआई के काम क्या है। और ये प्रोविज़न इनको दिया गया संविधान के आर्टिकल 146 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 146, उसमें बताया गया है सीजीआई है वो अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए सीजीआई के बारे में। अब कॉलेजियम के बारे में देख लेते हैं। कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम एक प्रकार की प्रणाली, एक प्रकार का सिस्टम है। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए कॉलेजियम क्या होता है। कॉलेजियम एक सिस्टम है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है, यानी नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है, रिकमेंडेशंस की जाती है। तो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में ये जो सिफारिश कौन करता है? ये सिफारिश करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास में पावर है संविधान का आर्टिकल 124, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए राष्ट्रपति को पावर देता है, और 217 है ये हाई कोर्ट के जज के लिए। यानी कि राष्ट्रपति के पास में पावर है, वो संविधान के आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए सिफारिश कर सकते हैं, और 217 के तहत ये हाई कोर्ट के जज के लिए सिफारिश कर सकते हैं। अब ये कॉलेजियम किस प्रकार से काम करते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जज की नियुक्ति करनी है तो एक तो सीजीआई होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, इनकी ये कॉलेजियम बैठेगा। अब ये जो जज होंगे ये इनकी सिफारिश करेंगे, भाई इस जज साहब, ये जो जज है इनको हाई सुप्रीम कोर्ट में नया जज घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो ये चार, एक सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, इनका एक कॉलेजियम होगा। ये अपनी सिफारिश किसको भेजेंगे? ये अपनी सिफारिश प्रेसिडेंट को भेजेंगे, और प्रेसिडेंट वापस कहेंगे हाँ इनको घोषित कर देते हैं। अभी हाईकोर्ट का करना होगा तो कैसे होगा? हाईकोर्ट का अगर कोई जज घोषित करना है या नियुक्त करना है तो उसके लिए एक तो सीजीआई होंगे, ठीक है, प्लस सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो से 4 जजों वाला होता, प्लस 2 हाईकोर्ट के जज भी होंगे, ठीक है, हाईकोर्ट के जो सीनियर जज है वो भी शामिल होंगे। ये सारे मिलकर हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, ये सारे मिलकर सिफारिश भेजेंगे राष्ट्रपति जी के पास में, राष्ट्रपति जी आखिरकार हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कर देंगे। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें आर्टिकल में क्या था? इसमें सिंपल से था, 91 नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना है, वो 91, ठीक है, 91 नहीं कह रहा हूँ मैं, 51 कह रहा हूँ। 51 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना जी बने हैं। 51 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना जी हैं। किसने नियुक्ति की है, शपथ किसने दिलाई? वो राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलाई है नियुक्ति की। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कन्फ्यूज हो सकते हैं उस टाइम में कि भाई इनको नियुक्ति कौन करता है, इनकी शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है हमने देख लिया, कॉलेजियम किस प्रकार से काम होती है वो देख लिया, सीजीआई की भूमिका क्या होती है, फर्स्ट अमंग इक्वल देख लिया है, मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं वो हमने देख लिया है, कॉलेजियम का प्रमुख होता है वो हमने देख लिया है, जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं वो हमने देख लिया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ कुछ आर्टिकल का भी जिक्र हुआ था, जैसे 146 आर्टिकल का जिक्र हुआ था, 146 अनुच्छेद किससे संबंधित, ये आपको पता होना चाहिए, 124, 217, तो ये आपको आइडिया थोड़ा बहुत इसके बारे में होना चाहिए। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो विपो के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या पता होना चाहिए? इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि विपो ने एक रिपोर्ट जारी की है उसके बारे में। अब इस रिपोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, इसे कौन जारी करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना, इसे विपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा जारी की जाती है। तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया होगा, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बौद्धिक संपदा जो संकेतक रिपोर्ट है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, कुछ चीज़ें सेम है, विश्व बौद्धिक संपदा, तीन चीज़ें सेम है, संकेतक की जगह आपको संगठन यूज़ करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन जारी करता है, ये चीज़ आपको याद रहेगी, ठीक है जी। अब इसने कुछ बातें की हैं, इसने कुछ पॉइंट दर्शाए हैं, वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़े थोड़े आप पॉइंट इफेक्ट देख लो कि भारत में है वो पेटेंट फाइलिंग की संख्या है वो दुगनी हो गई है, यानी कि भारत में अभी ज़्यादा पेटेंट फाइल किए जा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है भारत के लिए कि भारत में लोग हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इनोवेशन पर काम कर रहे हैं।
यहाँ पे देखो डेटा दे रखा है कि भारत में पेटेंट फाइलिंग की संख्या बढ़ गई है और छठे स्थान पर भारत है वो पेटेंट फाइलिंग में आता है। ट्रेडमार्क में भारत दूसरे नंबर पे आता है, ट्रेडमार्क फाइलिंग में भारत चौथे नंबर पे आता है, औद्योगिक डिजाइन में भारत 10वें नंबर पे आता है। तो कुछ यहाँ पर फैक्ट दे रखे हैं, ये सब चीज़ें देखना है। अब यहाँ पे संख्या क्यों बढ़ गई है, इसके लिए सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे, इसके कारण भी संख्या बढ़ी है। और आवेदन जो होते हैं उनका समय पर निपटारा हो जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो अच्छे से काम करती है, ये सारी चीज़ें इसलिए बढ़ी है। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जब कोई भी पेटेंट फाइल करते हैं उसके लिए चैलेंज होते हैं। क्या क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है कि इनमें जो अपीलीय बोर्ड होता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, उसे समाप्त कर दिया गया है, जिससे क्या होता है कि अपील करना मुश्किल हो गया है, पेटेंट की एवरग्रीन हो जाता है। एवरग्रीन क्या होता है, एक बार मैंने इस ये पेन है इसका मैंने पेटेंट ले लिया, फिर मेरे को लगा ये पेटेंट समाप्त होने वाला है, मैं कुछ चेंजेस करके फिर से इसका पेटेंट ले लूँगा, तो ये पेटेंट का एवरग्रीन हो गया है। तो ये भी एक प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। फिर लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, और भी कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है ये पेटेंट से संबंधित। अब पेटेंट के रेगुलेशंस के लिए क्या क्यों नियम बनाए गए हैं, पेटेंट के विनियमन या रेगुलेशंस के लिए कुछ नियम बनाए गए, जैसे वर्ल्ड लेवल पे बात करें, विश्व स्तर पे बात करें, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रीटी है। कौन सी ट्रीटी है? ये ट्रिप्स ट्रीटी है ना, ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, विश्व बौद्धिक संपदा व्यापार संबंधित पहलू है, ये ट्रिप ट्रीटी है, वो कि पेटेंट के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा WIPO है, वो भी पेटेंट का नियमन करने का काम करता है। इसके साथ साथ एक कन्वेंशन भी है, पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी बनी हुई 1970 में, बुदापेस्ट ट्रीटी बनी हुई 1977 में, ये सारी है वो पेटेंट से संबंधित बात करती है। यानी कि पेटेंट की रेगुलेशंस के लिए, विनियमन के लिए कुछ प्रोसेस दिया गया है, जैसे कि WIPO है ये काम करता है, WTO का ट्रिप एग्रीमेंट है वो इसके लिए काम करता है, ये कन्वेंशन बना हुआ पेटेंट कोऑपरेटिव कन्वेंशन है, बुदापेस्ट ट्रीटी है, वो इस संबंधित काम करती है। भारत में क्या है, भारत में इसके लिए पेटेंट अधिनियम भी बनाए गए हैं जो इसका देख रेख करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 के बारे में। सबसे पहले अंतरिक्ष अभ्यास 2024 है क्या, ठीक है, फिर ये जो अगर रिपोर्ट वगैरह है या कुछ एक्सरसाइज है तो इसे कंडक्ट किसने करवाया, दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ये भारत में पहली बार आयोजित किया गया है। इसे किसने आयोजित किया है, इसे अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास यानी कि स्पेस, ठीक है, डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा आयोजित किया गया है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 को अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी यानी डिफेंस स्पेस एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया है। ये भारत में इस प्रकार का पहला अंतरिक्ष अभ्यास है, मतलब इससे पहले भारत में अंतरिक्ष से संबंधित, स्पेस से संबंधित कोई भी एक्सरसाइज नहीं हुई है। कार्य क्या है, क्या काम करेगा ये, अंतरिक्ष से संबंधित मतलब स्पेस में भारत के लिए कोई भी दिक्कत हो रही है, स्पेस में कोई दिक्कत हो रही है यानी कोई भी हमने स्पेस में छोड़ा गया है सेटेलाइट के लिए वो नुकसान कर सकता है, कोई भी स्पेस में मलबा वगैरह गिर रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो देखने का काम करेगा। आजकल वॉर है वो भी स्पेस में लड़ी जाएगी, फ्यूचर में ऐसा देखा जाता है कि स्पेस में वॉर ज़्यादा लड़ी जाएगी, तो ये सारे काम है इसके होंगे कि वो किस प्रकार से इसे रोके, साथ ही साइबर अटैक हो रहे उसे रोकने का भी ये काम करेगी, और भी जो खतरे देखने को मिलते हैं उसको भी ये रोकने का काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें स्पेस रिसर्च स्पेस अभ्यास है ना उसमें आएगी, और इसे किसने करवाया, ये रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा करवाया गया है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सिंपल सी पहले तो ये याद रखना, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, दिल्ली में आयोजित हुआ है, किसने करवाया है अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास को, दिल्ली में आयोजित करवाया है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा आयोजित करवाया गया है। काम क्या, काम हमने देख लिया, स्पेस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी उसे ये फेस करेगा, उसमें जो भी दिक्कतें होगी उसे सॉल्व करने का काम इसका होगा। अब कुछ इसमें देखा भाई, वे फॉरवर्ड भी दिया गया है, नई रिमोट सेंसिंग का काम आनी चाहिए, भारत में जो भी डिफेंस की डील होती ना उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें भी तेज़ी आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे काम होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कॉमन है हमें पता ही है। और भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ कदम भी उठाया है, जैसे ये एजेंसी बनाई है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी बनाई है, रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन DSRO बनाया है, तो ये कुछ चीज़ें बनाई है, तो इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंट्रा स्टेट काउंसिल के बारे में, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी इसकी कुछ सालगिरह वगैरह थी इसलिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रा स्टेट काउंसिल होती क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद, इसकी बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, सरकारिया कमीशन उस टाइम में बनाया गया था, तो उसने सरकारिया कमीशन ने सिफारिशें दी थी, उसके आधार पर राष्ट्रपति जी द्वारा 1990 में इसे बनाया गया था, राष्ट्रपति जी ने आदेश जारी किया था उसके आधार पर इसे घोषित किया गया था, बनाया गया था। कौन से अनुच्छेद के तहत इसे बनाया गया था, इसे संविधान के
अनुच्छेद 263 के तहत बनाया गया था, यानी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत इसे बनाया गया था, राष्ट्रपति के आदेश से बनाया गया था, 1990 में बनाया गया था। सरकारी आयोग के कमीशन है ना, सरकारी कमीशन, उसकी सिफारिश के आधार पर इसे बनाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखेगा, 1990 याद रहेगा, राष्ट्रपति जी द्वारा बनाया गया था ये याद रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, ये 263 आर्टिकल 263 के तहत आता है ये याद रखेगा, 263 के तहत आता है यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये याद रहेगा, ये चार पॉइंट आपको याद रहेगा। अब इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं ये बात देख लेते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं, पॉइंट याद रखना। मेंबर कौन कौन होते हैं, जितने भी राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि उनके मुख्यमंत्री इसके मेंबर होंगे। साथ ही साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री, जहाँ पर विधानसभा नहीं है तो वहाँ के प्रशासक, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और जो लद्दाख वगैरह है वहाँ के प्रशासक इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 6 कैबिनेट रैंक के मंत्री होंगे जिनके प्रधानमंत्री जी द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, 1990 में स्थापित की गई थी, सरकारी आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था, संविधान के आर्टिकल 263 के तहत आता है और ये एक संविधानिक बॉडी है। इसमें अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। मेंबर कौन होते हैं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा नहीं है वहाँ के प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन मंत्री शामिल होते हैं, इसमें कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री शामिल होते हैं। इन 6 मंत्री की जो नियुक्ति कौन करता है, तो इनको प्रधानमंत्री जी द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये पॉइंट आपको अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है होकरसर आर्द्र भूमि के बारे में, होकरसर वेटलैंड के बारे में। क्यों न्यूज़ में है, होकरसर वेटलैंड है वो, अभी वहाँ पे जो प्रवासी पक्षी आते थे, ठीक है, माइग्रेट बर्ड्स आते थे वहाँ पर, वो अभी आगमन नहीं हो रहा है, इसलिए न्यूज़ में है। क्यों नहीं हो रहा आगमन, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम है, इसके कारण आगमन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं होकरसर वेटलैंड के बारे में। सबसे पहले होकरसर वेटलैंड कहाँ पर है, होकरसर वेटलैंड है वो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। ये एक यूट्रोफिक झील है, ठीक है, यूट्रोफिक लेक, ये पता होना चाहिए, झेलम नदी के मैदान में स्थित है, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखना, श्रीनगर के वेस्ट में स्थित है। तीसरी चीज पता होना चाहिए, वाटर कहाँ से आता है, दूध गंगा रिवर और सुखनाग रिवर से इसमें वाटर आता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये कश्मीर का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ रीड वेव बचे हुए हैं। अब रीड वेड क्या होते हैं, रीड वेड ऐसी वो आर्द्र भूमि होती है, ऐसी वेटलैंड होती है जो नेचुरल रूप से बनी हुई होती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से बनी होती है। ऐसी जो आर्द्र भूमि होती है उसे रीड वेड कहा जाता है। तो ये होकरसर कश्मीर की एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर रीड वेड बचे हुए हैं, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। कौन कौन से पक्षी यहाँ पर आते हैं, प्रवासी पक्षियों की बात करें, माइग्रेट्स बर्ड की बात बारे में बात करें तो यहाँ पर लार्ज इनग्रेट आता है, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब आता है, लिटिल कॉमरेट आता है, कॉमन सेडलैक आता है, टफेट डक आता है, एंडेंजर्ड वाइट आइज पचार्ड आता है। ये जो पक्षी है वो साइबेरिया है, चीन है और मध्य एशिया उत्तरी यूरोप से आते हैं। तो होकरसर वेटलैंड के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, होकरसर वेटलैंड एक रामसर साइट है, 2005 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा कहाँ पर स्थित है, झेलम रिवर पर स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर के वेस्ट में है। कौन सी रिवर से आती है, दूध गंगा और सुखनागी जो रिवर है वहाँ से आती है। कश्मीर का एकमात्र रीड वेड है, रीड वेड क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से आर्द्र भूमि बनी होती है वो रीड वेड कह जाती है। कई सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, कौन कौन से आते हैं, लार्ज इनग्रेट, ग्रेट क्रेवेड ग्रीब, ये सारे पक्षियों के नाम हमने देख लिए हैं। कहाँ से आते हैं, साइबेरिया, चाइना, जो मिडिल एशिया है वहाँ से ये सारे पक्षी आते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नैनो उर्वरक के बारे में है, नैनो फर्टिलाइजर के बारे में है। क्या किया है साइंटिस्ट ने, किया है न्यूट्रिएंट्स ऑफ पोटास जो होता है उनके लिए एक नैनो मटेरियल कोटिंग विकसित की है। और ये जो नैनो मटेरियल कोटिंग है वो नैनो क्ले से बनी हुई है, यानी कि पोटेशियम है ना, पहले उसका यूज किया जाता डायरेक्टली, अब उनके लिए एक नैनो मटेरियल कोटिंग विकसित की है। अब ये कोटिंग क्या करेगी, जो पहले पोटेशियम का यूज ज़्यादा होता था उसके उपयोग को कम कर देगी, यानी कि उसकी जो उपयोग को 80% कम कर देगी। कौन कम करेगा, ये जो कोटिंग है वो काम करेगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि एक तो हमारे जो पहले एग्रीकल्चर होती थी उसमें अगर पोटेशियम ज़्यादा जाए तो नुकसान भी हो सकता था, तो अब जो है ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ में खर्चा पहले ज़्यादा आता था, अब वो खर्चा कम आएगा, यानी कि लागत प्रभावशालीता भी है और धारणीय खेती को बढ़ावा भी देगी। अब ये नैनो उर्वरक क्या होता है, नैनो उर्वरक ये होता है कि उनके जो आकार वो बहुत ही छोटा होता है और ये जो मृदा होते हैं सॉइल उसमें धीरे धीरे करके खुलता है, इसलिए फायदे भी ज़्यादा होते हैं।
तो ये नैनो आर्टिकल नैनो उर्वरक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नैनो उर्वरक क्या है। ये पोटेशियम में एक अलग से नैनो कोटिंग विकसित की गई है, और नैनो कोटिंग किसकी बनी हुई है, तो ये कोटिंग नैनो क्ले की बनी हुई है। ये पोटेशियम की जो उपयोग है उसको कम करेगी, जिससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर है उसमें संधारणीयता, संधारणीय क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगी, इससे खर्चा भी कम आएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 के बारे में। सबसे पहले स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, पहला पॉइंट आपको याद रखना। तो इसे WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। WMO के द्वारा स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अभी कहाँ जारी किया गया है, अभी इसको बाकू में किया गया है। बाकू में अभी संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP 29 का आयोजित हो रहा है। COP 29 कहाँ आयोजन हो रहा है, COP 29 का आयोजन हो रहा है बाकू में हो रहा है, ठीक है। इस दौरान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहाँ पर जारी की गई है, बाकू में जारी की गई है। बाकू में क्यों, क्योंकि बाकू में अभी संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, COP 29 आयोजित हो रहा है, इसलिए वहां पर जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट है वो दिए गए हैं, सिंपल से पॉइंट याद रखो, डेटा याद रखने की आवश्यकता है नहीं। पॉइंट क्या याद रखना, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, सी लेवल होता समुद्री जल स्तर होता उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, और बर्फ वह वो भी विस्तार देखने को मिला है। यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की गई, रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024। कहां पर जारी की गई थी, बाकू में। बाकू कहां पर है, अजरबैजान में। अजरबैजान की कैपिटल कहां है, बाकू में, ठीक है। यहां पर क्या आयोजित हो रहा था, यहां पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन है यानी COP 29 की बैठक यहां पर आयोजित हो रही थी। इस दौरान स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई थी। क्या क्या बातें की, तापमान की, ग्रीन हाउस गैस की, समुद्र जल स्तर की और समुद्री बर्फ के विस्तार के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा के बारे में। डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा के बारे में, सबसे पहले डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा है क्या, नाम याद करो, डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा। ऐसे एग्जाम में नाम आएगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ये अलग अलग प्रकार की स्पीसीज मिलती है ना, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में कन्फ्यूज करती है, क्योंकि मिलती बहुत ज्यादा है, याद रहती नहीं है। तो डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा है क्या, डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा एक स्पीसीज है, एक प्लांट की स्पीसीज है। डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा एक प्लांट की स्पीसीज है। कहां पर मिली है ये स्पीसीज, डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा स्पीसीज वेस्टर्न घाट में मिली है। डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा स्पीसीज वेस्टर्न घाट में मिली है। वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। चार जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, उसमें से एक है वो है वेस्टर्न घाट। यहाँ पर डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा की एक स्पीसीज मिली है। किसको मिली है, एक पूना की एक संस्थान है, आधारकर अनुसंधान संस्था, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको मिली है। तो डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा क्या है, डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा एक स्पीसीज है, प्लांट की स्पीसीज है। कहाँ पर मिली है, वेस्टर्न घाट में मिली है। अब डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा के बारे में बात करें तो ये इसका हैबिटेट के बारे में बात करें, प्रयास के बारे में बात करें तो कहाँ पर ये देखने को मिलती है, ये ऐसी जगह पर देखने को मिलती है जहाँ पर सूखा ज़्यादा हो, चरम दशा हो, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। यानी कि ऐसी जगह पर जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर हो, ठीक है, हवा तेज हो, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। इसकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, तो किसी भी प्रकार के जो आघात होता है उसे सहन कर सकती है, ठीक है। अब कोई बाकी जो प्लांट होते हैं उसमें एक बार फूल लगते हैं, जबकि इसमें दो बार फूल लगते हैं, यानी असामान्य रूप से इसमें साल में दो बार फूल खिलते हैं। एक बार खिलते हैं कब, नवंबर से मार्च के तक, एक बार मई जून में इसमें फूल खिलते हैं। फिर स्पाइकेट पुष्पक्रम, ये भी एक प्लांट है, इसका जो नियरेस्ट प्लांट है वो अफ्रीका में पाया जाता है। तो डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा क्या है, डिक्कीलेप्टरा पॉलीमोर्फा एक स्पीसीज है, प्लांट की स्पीसीज है, जो वेस्टर्न घाट में मिली है, इसमें दो बार फूल खिलते हैं और ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में पाई जाती हैं, अभी ये नई नई मिली है, ठीक है जी, आपको याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है कॉम्ब जेली के बारे में। कॉम्ब जेली ये भी एक समुद्र की नई स्पीसीज मिली है। कॉम्ब जेली क्या है, समुद्री नई स्पीसीज मिली है। इसके बारे में क्या याद रखना, ये जो है ना अपना जीवन चक्र उल्टा चलती है, यानी कि जैसे जैसे मतलब अपन क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद में वापस जवान नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये जो कॉम्ब जेली है ना, ये बूढ़े होने के बाद में फिर से खुद को जवान कर सकती है। यानी कितना अच्छा है इनके लिए, ये कभी बूढ़ी होगी नहीं, जैसे बूढ़ी हुई खुद को जवान कर लिया। तो कॉम्ब जेली है
वो बूढ़ी होके जवान होने की एज के बाद में टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट है, ये कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, खुद बूढ़ी होगी वापस जवान हो जाएगी। काश हमारे पास होता, हम भी ऐसे बूढ़े होते ही नहीं, जवान ही जवान रहते, मौज करते, बट हमारे पास है नहीं, तो कॉम जेली को खा जाएंगी या कॉम जेली से ये ले लेंगी, तो हो सकता है कि हमारे पास भी ऐसे आ जाए, बट है नहीं। तो याद रखना कॉम जेली क्या है, कॉम जेली सिंपल सी बात है, कॉम जेली है एक समुद्री प्रजाति है जिसको अभी देखा गया है, और ये है वो हमेशा जवान रहती है, बूढ़ी होती नहीं है। ठीक है जी, कॉम जेली के बारे में बात करें तो ये बहुत प्राचीन जीव है, नई नहीं रहेगी, जवान ही रहेगी तो बूढ़ी होगी नहीं, तो मरेगी भी नहीं, यानी 700 मिलियन साल पुरानी है। ठीक है, मरती नहीं है, काफ़ी पुरानी है। कहाँ पर देखी गई है, तो ये जो एटलांटिक ओशियन है ना, वेस्टर्न एटलांटिक ओशियन, वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज है, मूल प्रजाति। ये पॉइंट याद रखना, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन उठा के पूछता है कि ये जो प्रजाति मिली है कि यहाँ पे क्या ये यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज है, तो आपको याद रखना कॉम जेली है वो वेस्टर्न एटलांटिक ओशियन की एंडेमिक स्पीसीज यानी कि मूल प्रजाति है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, याद रखना जी, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। संरचना के बारे में बात करें तो ट्रांसपेरेंट संरचना होती है, शरीर पे कंदों जैसी आकृति होती है, याद इतना रहेगा नहीं, तो आपको इतना याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तंत्रिका तंत्र के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनका नैरो सिस्टम होता है, हमारा नैरो सिस्टम माइंड से जुड़ा होता है, तो एक सिस्टमेटिक रूप से काम करता है, यानी कि एक केंद्रीकृत तरीके से रूप से सेंट्रलाइज सिस्टम के रूप में कार्य करता है, पर इनका जो जो सिस्टम होता है ये विकेंद्रीकृत होता है, जैसे हमारा ये है मस्तिष्क से, ये हमारा क्या तंत्रिका तंत्र है, तो ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ सेंट्रलाइज तरीके से काम करता है, पर इनका सेंट्रलाइज नहीं होता है, विकेंद्रीकृत होता है। तो कॉम जेली हमेशा जवान रहेगी, कॉम जेली जवान रहेगी और विकेंद्रीकृत रहेगी। अब इसके बारे में तो देख लिया हमने, चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पेंटसियर एयर डिफेंस सिस्टम यानी पैड्स के बारे में। पेंटसियर एयर डिफेंस सिस्टम पैड्स, पेंटसियर एयर डिफेंस सिस्टम पैड्स क्यों न्यूज़ में आया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत की एक कंपनी है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, भारत की। दूसरी रूस की एक कंपनी है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, और भारत की कौन सी है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इन दोनों ने एक MOU पर साइन किए हैं कि हम दोनों मिलकर पेंटसियर एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, पैड्स बनाएंगे। तो पेंटसियर एयर डिफेंस सिस्टम कौन बना रहा है, भारत की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रूस की रोसबोरोन एक्सपोर्ट। अब ये आपको याद ना रहे, पर अगर UPSC ऐसा पूछ ले कि ये पैड्स कौन बना रहा है, तो पैड्स कोई DRDO बना रहा है या फिर किसी US की कोई कंपनी के साथ, तो नहीं ऐसा नहीं है, रूस की कंपनी और भारत की कंपनी दोनों मिलकर ये पैड्स बना रहा है। पैड्स क्या है, पैड्स कम दूरी की, यानी कि ज़्यादा दूरी तय नहीं करती, कम दूरी की मोबाइल से डिफेंस सिस्टम काम करने वाली, यानी कि मोबाइल यानी कम दूरी में काम करने, सिंपल याद रखना मोबाइल की तरह कम दूरी में काम करने वाली सिस्टम है, यानी पैड्स है वो कम दूरी में काम करने वाली मिसाइल है। ये बंदूक भी शामिल है इसमें, मिसाइल भी शामिल है, छोटे छोटे जो सैन्य ग्रुप होते हैं इंडस्ट्री में रक्षा करने के लिए, छोटी छोटी जहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहाँ पर इस पैड्स का यूज़ होगा। ठीक है जी, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, वन टाइम इसका यूज़ होगा, वैसे समझ लो आप पैड्स का यूज़ होगा, फाइटर जेट में हो गया, हेलीकॉप्टर में हो गया, तो इस प्रकार से इसका उपयोग होगा। और इस जर्मनी और ये भी है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इससे जुड़ा हुआ ही पॉइंट है कि जर्मनी है वो 2025 तक जो इजराइल के है ना एरो मिसाइल इंटरसेप्टर प्रणाली उसका उपयोग कर लेगा, तो इसके जुड़ा हुआ पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर दिया है। आपको पैड्स के बारे में पता होना चाहिए, भारत और रूस दोनों मिलकर बना रहा है, पैड्स कम दूरी की मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है और ये बंदूक पे इसमें शामिल है। नेक्स्ट है वो गुटी कोया के बारे में। गुटी कोया एक जनजाति है, हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग है ना, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, उन्होंने केंद्र और राज्यों को कहा है कि ये जो गुटी कोया जनजाति है इनके बारे में हमें डेटा दो। तो गुटी कोया जनजाति के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, नक्सली विरोध के कारण ये पड़ोसी राज्यों में चली गई थी। भाषा के बारे में बात करती है, गोंडी भाषा बोलती है जो कि द्रविड़ भाषा का ही पार्ट है, शिकार करती है, खाद्य संग्रह करती है, मछली पालन करती है। ठीक है, त्यौहार में देवी देवताओं की पूजा करती है, प्रकृति की पूजा करती है, और यहाँ पर जो पटेल होता है, मुखिया होता है, उसे पटेल कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है आपको गुटी कोया के बारे में पता होना चाहिए। गुटी कोया क्या है, गुटी कोया एक जनजाति है, कहाँ पर देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, गुटी कोया जनजाति छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, थोड़ा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अजरबैजान, प्लेस इन न्यूज आ गया मैप, ये रहा अजरबैजान, कैपिटल कहाँ है, बाकू। ठीक है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये देख लो, ईरान से सीमा लग रही है, ठीक है जी। दूसरी कौन सी सीमा लग रही है इसकी, इसकी आर्मेनिया से सीमा लग रही है, आर्मेनिया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में दिक्कतें भी चल रही है, टेंशन भी चल रही है। किसको लेकर टेंशन चल रही है, यहाँ पर एक ग्रेटर काराकस, यहाँ पे एक एरिया है इजराइल, सॉरी
अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नर्गोनो काराबख, उसको लेके दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। फिर ऊपर जॉर्जिया है, यहाँ पर कैस्पियन सी है, तो ये सारे सी से बाउंड्री लगती है, ऊपर रशिया से भी इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए कि अजरबैजान की बाउंड्री किससे लगती है, अजरबैजान की कैपिटल कहाँ है, किससे साथ टेंशन है। यूपीएससी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेगी। रिवर वगैरह तो बहुत बेसिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा आरास रिवर है, ऊंची चोटी बारादूज है। ये चीज़ आपको याद भी नहीं होगी तो चलेगा, बट अजरबैजान की सीमा कौन कौन से देशों से लगती, बाउंड्री कौन कौन से देशों से लगती, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है, वो जो प्रिजनर होता है उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे संबंधित है। मेंस के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ पॉइंट आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। क्यों न्यूज़ में आया है, सुकन्या शांता बनाम भारत संघ, यानी कि सुकन्या शांता वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेलों में है ना भेदभाव ज़्यादा होता है, खास करके जाति आधारित भेदभाव ज़्यादा होता है, इसे चुनौती दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के खिलाफ है, ये बात की गई है। जेलों में क्या क्या भेदभाव होता है, जाति आधारित भेदभाव होता है, किस प्रकार से होता है कि अलग जो निचली जाति के लोग हैं उनको छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं, गंदे काम करवाए जाते हैं, जैसे हाशिए पे काम करवाया जाता है, झाड़ू लगवाया जाता है, तो उनके साथ में ऐसा भेदभाव होता है जो उनके लिए समान अवसरों में बाधा डालते हैं, तो ऐसे भेदभावपूर्ण काम किए जाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फोकस डाला है। इससे पहले भी कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने आ चुके हैं, जैसे प्रेमा शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली राज्य है, फिर इनाश्योर ये मामला आया था 1988 में, तो अलग अलग मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, जिसमें समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है जो भी भेदभाव अलग अलग प्रकार के हो रहे थे उन भेदभाव को कमी करिए, और जो भी न्यायालय में मतलब जेलों में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, जेलों में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, ये सारी सुप्रीम कोर्ट ने काम किए। अभी मामला आया सुकन्या शांता मामला आया, इसमें अभी जेल में जो भी जाति आधारित भेदभाव होता है इसे कम करने पर फोकस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के मामले आए हैं, सारे मामले आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको थोड़े बहुत पॉइंट होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जेल के आधारित, जेल में जो भेदभाव होता है, जेलों की जो स्थिति सही नहीं है, जो प्रिजनर होते हैं उनके साथ में भेदभाव होता है, प्रिजनर के साथ में जो सही बिहेव नहीं होता है, उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने या हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्ट भी बनाए और कई सारी चीज़ें करी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो नया मॉड्यूल लाना चाहिए। हम अभी का जो मॉड्यूल है 2016 का है, मतलब जेल में किस प्रकार से काम होना चाहिए, इसका मॉड्यूल जो मॉड्यूल होता है काफ़ी पुराना है, मैनुअल होता है, मतलब जेल में है ना किस प्रकार से रखा जाता है इसका क्या एक मैनुअल बना होता है, तो ये मैनुअल है ये काफ़ी पुराना है, तो इसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है। जेल में है ना समानता नहीं मिलती है, उनके साथ परेशान किया जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जेल में जो नियम होते हैं वो भी काफ़ी पुराने, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। भेदभाव होते हैं उन्हें रोकना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जेल में की जा सकती है। साथ ही साथ में पुराने एक्ट है, जो एक एक्ट है 1894 का एक्ट है और एक एक्ट है 1900 का एक्ट है। देखो आप जेल अधिनियम 1900 फिर 1894 1950 का, ये काफ़ी पुराने हैं, तो इसमें अद्यतन करने की आवश्यकता है, इसे अपडेट करने की आवश्यकता है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। जेल में बेहतर प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही समय कैदियों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, ये जो नियम बने हैं वो काफ़ी पुराने हैं, वो भी उनको भी रोका जाना चाहिए, नए नियम लाने चाहिए। टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा सकता है, प्रौद्योगिकी होती है ना उसके माध्यम में जेल के जो प्रशासन है, जेल में जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, CCTV लगाया जा सकता है जिससे जेलों में जो सुसाइड होते हैं उनको रोका जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर एक आया था हमारे 2023 में एक एक्ट बनाया गया था जो कि कारागार अधिनियम संबंधित था, उसकी कुछ अच्छी विशेषताएं थी, जैसे कि जेल खुली होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए, साथ ही साथ में आपराधिक गतिविधियां उनको रोका जाना चाहिए, अच्छे आचरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कैदियों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे क्या है किसी भी प्रकार से इसे रोका जा सकता है। अब इसका जिक्र हुआ है तो अपराध का जो ब्यौरा कौन रखता है, ये रखता है राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ये रखता है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के बारे में बात करें तो ये एक सरकारी एजेंसी है, काम क्या करती है, ये काम करती है जो भी जेल में है क्राइम है अपराध है, जो भी होते हैं जेल में होते हैं जेल के बाहर होते हैं उन सब सभी अपराधों का ब्यूरो है वो ये रखने का काम करती है, डेटा को इकट्ठा करने का काम है वो NCRB करती है। NCRB क्या करती है, जो भी अपराध होते हैं ठीक है उनके डेटा को इकट्ठा करने का कार्य है वो NCRB का है। ठीक है, IPC में इसके बारे में लिखा हुआ है और जो स्थानीय कानून उनमें भी लिखा हुआ है NCRB का कार्य है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। किसके अंतर्गत आती है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। स्थापना कब हुई थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स है, यह सारी अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। उद्देश्य क्या है इसका,
डेटाबेस को इकट्ठा करना है, पुलिस स्टेशन है उनकी जानकारी देना है, खुफिया जानकारी वो भी देना है, जांच को बेहतर करना है, अपराध की रोकथाम के लिए कार्य करना है। तो ये सारे कार्य हैं वो एनसीआरबी के जुड़े हुए हैं। तो आपको कुछ आइडिया एनसीआरबी के बारे में होना चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा दे रखा है, आपको ये डेटा देखने की आवश्यकता ही नहीं, ना इसको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा है और इसको कहीं लिख भी नहीं पाओगे, तो इतना डेटा याद रखने की आवश्यकता है नहीं आपको, ठीक है। और ये जेल सुधारों संबंधित क्या क्या पहल की गई है, ठीक है, इनिशिएटिव ये याद रख सकते हो। कारागार योजना का आधुनिकरण किया गया है, कारागार परियोजना ये शुरू की गई है, फिर ई जेल परियोजना शुरू की गई है, मॉडल प्रिजनर मैनुअल 2016 में लाया गया था, ये नालसा लाया गया था, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण लाया गया था। तो ये सारी हैं वो प्रिजनर की हेल्प के लिए हैं, जेल में सुधारों से संबंधित सरकार की पहल है, तो इनको आप याद रख सकते हो। मेंस में कहीं लिखना हुआ तो वहाँ पर कारागार योजना आधुनिकरण है, सरकार की पहल है, फिर कारागार परियोजना आधुनिकरण 2021-26 के बीच में है, ई जेल परियोजना है, मॉडल प्रिजनर मैनुअल 2016 का है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा है, ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा ये सुधार में की गई है। तो इस चीज़ों को याद रख सकते हो और मेंस में लिख भी सकते हो, काम आएगी। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या पढ़ा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनके नीचे आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप देख सकते हो, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेंस का क्वेश्चन इससे अटेंड कर सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये क्या है, देखो बाकी सारे देश है ना वो वीज़ा को टफ करते जा रहे हैं, वहाँ पर वीज़ा पॉलिसी को टफ कर रहे हैं, और जर्मनी है वो वीज़ा पॉलिसी को ईजी कर रही है, इससे संबंधित है। तो इसका क्या फ़ायदा भारत को हो सकता है, तो भारत के लिए फ़ायदा है कि भारत के लोग जर्मनी में जाएंगे तो उनको काम के नए अवसर मिलेंगे, भारत के स्टूडेंट जर्मनी के साथ जा सकते हैं, इससे जर्मनी में और भारत के बीच में पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेगा, भारतीय लोगों के लिए नए अवसर मिलेंगे, तो कई सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो इससे संबंधित ये आर्टिकल। नेक्स्ट एएमयू के बारे में हमने कल देखा था कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिल चुका है, पहले इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं था, कई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बयान थे जिसके कारण, जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय थे जिसके कारण एएमयू के जो माइनॉरिटी का स्टेटस वो हटा दिया गया था। और कल हमने देखा था कि माइनॉरिटी का अगर स्टेटस मिलता है उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, अगर मिलता है तो क्या होता है, नहीं मिलता तो क्या है, ये सब हमको देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शैक्षणिक संस्थानों को ये 4-3 के बहुमत से इसको माइनॉरिटी का स्टेटस मिल चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने कहा था कि एक एक्ट के द्वारा, जैसे कल हमने देखा था कि अपने गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो है एएमयू है ना वो एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इसे माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि माइनॉरिटी का स्टेटस का और एक्ट का कोई लेना देना नहीं है, अगर वो अल्पसंख्यकों के हितों को रक्षा कर रही है तो वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, इस प्रकार से बात की गई। तो यहाँ पर अलग अलग एक्ट का जिक्र किया गया है, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट थे उनका जिक्र किया गया है, इस सबको बारे में देखने की आवश्यकता नहीं, हम कल इसके बारे में देख चुके हैं। इसके बाद में ये जो आर्टिकल दिया गया है, यहाँ जो बायोसेक्सुअल्स मैन होते हैं उनके साथ में अच्छा नहीं होता, उनके साथ में क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, इनके साथ में सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर इतना अच्छा कोई पॉइंट नहीं थी जिसको हम मेंस में लिख सके, हमारे प्रीलिम में काम आए इसलिए हमने वो डिस्कस नहीं किया है। तो बस ये आर्टिकल था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में अटैक हुआ है, तो ये डेली की न्यूज़ है, हम कुछ नहीं कह सकते RIP, बट इनके साथ में ऐसा हुआ है, तो ये सारी न्यूज़ थी, हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर चाइना के बारे में, चाइना का ये प्लेस न्यूज़ है, चाइना की कैपिटल कहाँ है, बीजिंग में है, तो ये चीज़ आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए, बाकी इतना आइडिया है ही। फिर इंदिरा गांधी जी के बारे में था पर्सन न्यूज़ में, तो इन्होंने कब तक प्रधानमंत्री जी रहे थे, 67 से 77 तक ये प्रधानमंत्री रही थी, फिर 1980 से 84 में प्रधानमंत्री थी, इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश को इन्होंने आज़ाद करवाया था, तो ये सब इनके बारे में था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था, और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।